द कपिल शर्मा शो में अलग अलग किरदार निभाकर सबकी चहेती बनी सुमोना चक्रवर्ती इन दिनों खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 की शूटिंग कर रही हैं। अब एक्ट्रेस ने बताया है कि उन्होंने मुंबई में खुद का घर खरीदने में कितनी मुश्किलों का सामना किया। एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्हें अपना पहला घर खरीदते समय किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। एक्ट्रेस के मुताबिक वह जो काम करती हैं उसमें कोई एक फिक्स्ड सैलरी नहीं होती, इसलिए बैंकों ने उन्हें लोन देने से ही मना कर दिया था। उन्होंने बताया, मैंने अपना पहला घर 26 साल की उम्र में खरीदा था। यह मुंबई में एक छोटा सा अपार्टमेंट है और हर कोई जानता है कि यहाँ रियल एस्टेट बहुत बढ़िया है। एक्टर्स के पास ऑफिस स्ट्रक्चर्ड सैलरी स्लिप या मंथली पेमेंट तय नहीं होती। मुझे अभी भी याद है कि कैसे बैंक वाले मुझे लोन देने से हिचक रहे थे, क्योंकि मेरा कोई फिक्स्ड मंथली सैलरी नहीं थी। 20,000 रुपए महीना कमाने वाला कोई व्यक्ति बैंक के लिए एक्टर की तुलना में ज्यादा सुरक्षित होता है, क्योंकि इसमें जोखिम ज्यादा होता है। बातचीत में आगे सुमोना ने बताया कि उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि उनके होम लोन को चुकाना था, जो वह बहुत मुश्किलों के बाद कर पाई। उन्होंने यह बताते हुए भी खुशी जताई कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में आने वाली रुकावटों को आसानी से पार किया है। एक एक्टर के तौर पर जब हमें EMI चुकानी होती है तो यह कभी कभी एक चुनौती बन जाती है, खासकर कोविड जैसी स्थिति में। इसलिए जब मैं उस होम लोन का भुगतान करने में सक्षम हुई तो अब तक यह मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास पैसे नहीं होते, आप आर्थिक तंगी के शिकार हो जाते हैं, तो मैं ये सब से बचना चाहती हूँ। सुमोना ने इस बात पर जोर दिया कि उनका मानना है कि एक महिला के लिए उसके सिर पर छत से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक उनके पास अपना घर और इनकम सोर्स का एक सही जरिया है, तब तक उन्हें अपनी शादी की चिंता नहीं है। मैं हमेशा अपने देश की लड़कियों से कहती हूँ कि अपनी छत होना बहुत जरूरी है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मैं कब जीवन में सेटल हो रही हूँ। मुझे लगता है कि इसे ही सेटल होना कहते हैं, जहाँ आप रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरतें पूरी कर सकें, बाकी सब तो आता जाता रहेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें।